हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे आपके गुलाब में इस तरह की समस्या आ रही है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करें। ये देखिए, इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, करीब 6-7 दिन हो गए इसे रिपोर्ट किए हुए। देखिए ये ग्रीन ग्रीन, ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो क्या करें, इस तरह से आप पूरे गुलाब को निकाल लीजिए गमले में से। और ये मैंने इसकी इस बकेट पे लगा हुआ था, इसकी मैंने सारी की सारी मिट्टी निकाल के ड्राई कर ली है। ये कुछ गोबर की खाद मिलाई है और ये धान की भूसी है और ये इसी गमले की मिट्टी है, मतलब इसी बकेट की मिट्टी है। तो इसे हम इस तरह से ही रिपोर्ट कर देंगे। शर्त यही है कि आप अच्छे से इसे सुखा लीजिएगा। और इसमें एक बड़ा सा होल था, ये मैं दिखाना भूल गई। देखिए ये बड़ा सा होल है, देखिए। तो इसके नीचे मैंने ये निकाल रख दिया जिससे पानी बह जाए। और बाकी बारीक बारीक होल के लिए नीचे ये धान की भूसी डाल रही हूँ जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहे। और इसे सबको मिक्स कर दूँगी मैं इस तरह से। और इसमें थोड़ी सी DAP और पोटाश डाल दूँगी। गमले की मिट्टी जब भी ख़राब हो जाए तो इसी तरह से कीजिए। मैंने लास्ट ईयर ये रिपोर्ट नहीं की थी, बस इतनी इतनी मिट्टी निकाल के दोबारा मिट्टी भर दी थी खाद मिला के, तो सारी डीकम्पोज हो गई थी धान की भूसी और इसे प्रॉब्लम होने लगी थी। प्लांट ठीक से नहीं चल रहा था और मैं सोच रही थोड़ी देर बाद जाऊंगी छत पे, पर मुझे जाना पड़ा। ये देखिए बादल बहुत तेज़ आ रहा है, मैंने सोची सारे नाले में बह जाएगी, नाला बंद हो जाएगा, जो पाइप लाइन है हमारी जो सब बेकार हो जाएगी। तो इसलिए धान की भूसी में क्वांटिटी ज़्यादा डाल रही हूँ कि सर्दियों में बाई चांस ऐसा होता है ना, जैसे पानी ज़्यादा पड़ जाता है कभी कभी। वैसे तो अभी मैं 5-5, 6-6 दिन बाद, बल्कि 8 दिन भी हो जाते हैं, तो पानी डाल रही हूँ गमले में। रोज किसी समस्या की वजह से मैंने पानी भी नहीं डाला है ज़्यादा। तो इस तरह से ही मिक्स करके हम इसमें भर देंगे। फटाफट काम करूँ क्योंकि शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं, हस्बैंड भी आने वाले होंगे। और इसमें थोड़ी सी हम ये केमिकल खाद भी डाल देंगे। ये पोटाश लाई हूँ मैं थोड़ी सी, और ये DAP लाई हूँ, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा फंजीसाइड भी हम डालेंगे इसमें। तो ये काम करके अब आपसे मिलती हूँ, है ना। इसमें मैं थोड़ा सा ये करीब 1 चम्मच के करीब मैं DAP डालूँगी और ये एक चम्मच के करीब पोटाश डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। जब भी आप केमिकल खाद डालें तो साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल भी डालें, जैसे कि प्लांट को खूब अच्छे से खाद वगैरह मिल जाती है और बढ़िया से ये चल जाते हैं। हमेशा ही याद रखिएगा, कभी भी आप अपने प्लांट को केवल यही खाद मत दीजिएगा। थोड़े से दाने अगर डाल रहे हैं तो कुछ ही दाने डालिएगा। और अब इसमें हम बिठा देंगे इस प्लांट को और यही पानी हम यूज़ करेंगे। ऊपर मत पकड़िएगा, नीचे पकड़िएगा इस तरह से। अब बिठा देंगे हम इसे इसमें इस तरह से। इस बार मैं थोड़ी ऊपर ही रखूँगी जिससे कि अगर कोई भी ऐसी ब्रांच हो जो ख़राब हो या सकर ब्रांच हो वो मुझे दिखती रहे और मैं उसे निकाल सकूँ। इस तरह से हम पूरा फिल कर देंगे तो ये रिपोर्टिंग हो जाएगी हमारे पॉट की, मतलब हमारे गुलाब की। इस तरह से ये सीधा नहीं हो रहा है, सीधे हो जाओ बाबू, क्यों नाराज़ हो रहे हो। गोबर की खाद मैंने करीब 2 किलो के करीब डाली थी। इस तरह से थोड़ा सा पुश कर करके इसमें गुलाब की टहनियाँ भी चुभ गई मेरे हाथ में। इस तरह से हमने ये डाल दिया। और धान की भूसी इसलिए इतनी मिलाई है कि अब बारिश आ रही है तो पानी कम पड़ेगा, तो ये मॉइस्चर को भी थोड़ा होल करके रखेगी। और नमी बना के रखेगी। अब इस मिट्टी को भी सारे इकट्ठा करके भर दूंगी किसी बैग वगैरह में, जो मैं विंटर के प्लांट लगाऊंगी तो दिन भर की वजह से मुरझा गया। मैं पानी में डाला भूल गई थी, अभी डाला है ये फंजीसाइड का पानी। तो इसी फंजीसाइड के पानी में ही हम इसे फिर से यही डाल देंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग। साल में एक बार ज़रूर से रिपोर्ट कर दीजिएगा। मैं लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था, इतनी इतनी मिट्टी निकाल के और भी सब झाड़ू लगा के इकट्ठा किया, पूरा सूखने डाला था मैंने ये। तो ये तरीका है मेरा गुलाब को सर्वाइव करने का। वैसे चल रहा था, चल गया था, मगर उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा ये काम निपटा लें। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।